गाथा नंबर 40। जदि पच्चक्खमजादं पज्जायं पलैदं चणानस् नहवदीवा तन्नानं दिव्यं तीहि के परुवेन्ति। पढ़े एक बार। यदि पच्चक्खमजादं भगवान के केवल ज्ञान की सिद्धि चल रही है। ज्ञान का परिणमन जो केवल ज्ञान के रूप में हुआ और उस केवल ज्ञान में भूत और भविष्य की पर्यायें भी दिखाई देने लगीं, उसी का यहाँ पर समर्थन करते हुए कहा जा रहा है कि ये जो पर्यायें जिन्हें हमने कल असत क्यों जो पर्यायें ना अभी उत्पन्न हुई हैं और उत्पन्न होकर के भी जो नष्ट हो गई हैं, वो दोनों ही प्रकार की पर्यायें असद्भूत पर्यायें कहलाती हैं। असद्भूत का मतलब जिनका अब हमें कोई भी एग्जिस्टेंस वर्तमान में दिखाई नहीं देता, मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट, जो अभी नहीं हैं लेकिन थी या होंगी, ऐसी भी कोई भी जो परिणतियां हैं जो उस ज्ञान के अंदर अपने आप उन परिणतियों का परिलक्षण होने लग जाता है, केवल ज्ञान में वह भी प्रत्यक्ष होने लग जाती। तो इस चीज़ की सिद्धि करते हुए यहाँ पर पुनः प्रकारांतर से कहते हैं यदि यानी यदि पच्चक्कम जो प्रत्यक्ष हैं अजादम यानी जो उत्पन्न नहीं हुई हैं, पज्जायम यानी पर्याय, पलैदम यानी जो नष्ट हो गई हैं, जो पलैदम यानी जो नष्ट हो गई हैं पहले उत्पन्न होकर के, ऐसी भूतकाल की पर्याय, और जो अजादम अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं वह भविष्यकाल की पर्याय, यदि ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं हैं, राणस माने ज्ञान के, पच्चक्खम यदि न हवदि, ज्ञान के यदि वह प्रत्यक्ष न हवदि यानी नहीं होती हैं, तन्नाणम दिव्यम इति के ही प्रभुवन्ति, तो फिर उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? क्या समझे? फिर तो सामान्य लोगों जैसा ही ज्ञान हो गया। कई लोग कहते हैं कि दुनिया में दिव्य ज्ञानी कोई होता ही नहीं। ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी भी कोई दिव्य ज्ञानी नहीं थे, सब अपने ही जैसे पुरुष थे, सब अपने ही जैसे उनके हाव भाव थे, बस उनके सोचने का तरीका अलग था, ऐसा बोलते हैं। सुन रहे हो? कुछ दार्शनिकों का आपने भी पढ़ा होगा। आजकल एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में जो चलते हैं, सुना है ना, दाढ़ी वाला बाबा, हाँ वही, सो सो सो, सुन रहे हो? हाँ, तो ऐसे ही बोलते हैं, महावीर तो क्या थे, वो तो सब आप ही जैसे थे, आपने उन्हें इतना उठा दिया, इतना उन्हें अद्भुत बना दिया कि आपने अपने और उनके बीच में एक डिफरेंस पैदा कर दिया, ऐसा बोलता है। मतलब ये तुम लोगों की एक अति है जो तुमने भगवान महावीर स्वामी को ऐसा दिव्य पुरुष बना दिया कि उस दिव्यता में उनको केवल ज्ञान होता है, उनको सर्वज्ञता होती है, उनके शरीर में पसीना नहीं होता है, उनको आकाश में गमन होता है, ऐसी जो आप बातें करते हो ये सब आपने उनको दिव्य बना दिया है। सामान्य पुरुष थे, सबकी तरह रहने वाले थे, सबकी तरह खाने पीने वाले थे, सबकी तरह उनका व्यवहार था, लेकिन लोगों ने उन्हें ऐसा दिव्य बना दिया। तो ये जो बातें हैं, इस तरह की बातें करके ही सामान्य लोगों को ये बताया जाता है
कि हमें भगवान को किसी और रूप में नहीं मानना, एक सामान्य पुरुष के रूप में समझना, ऐसा बताया जाता है। और इस बताने का फायदा क्या होता है? तभी तो सामने वाला कोई और भगवान को छोड़ कर के आपको भगवान मानेगा। नहीं समझ आ रहा? अब वर्तमान में तो भगवान होते नहीं, अब हम भगवान की महिमा को कैसे मिटाएं? तो ये भी ज्ञानियों के तरीके होते हैं, ध्यान रखना। इसी को कहते दार्शनिकता। हर चीज को इस तरह से तोड़ मरोड़ के बोलना, तर्क कुतर्क करके लोगों के सामने रखना कि लोग जो सत्य है उससे अपना विश्वास छोड़ दें, और जो सामने अपने छल से कुछ कह रहा है उसके ऊपर विश्वास करने लग जाएं, यही जो है वर्तमान का ज्ञान बना है। तो ये समझने की बात है। आचार्य कहते हैं यदि भगवान के ज्ञान में ये तीनों पर्याय प्रत्यक्ष नहीं होती हैं तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? और जब ज्ञान दिव्य नहीं है तो भगवान कैसे होंगे? यहाँ ये कहा जा रहा है। और सामान्य से आपको समझाया जाता है कि ज्ञान दिव्य भी कुछ नहीं होता है, बस एक एटीट्यूड, सोचने का बस नज़रिया कुछ अलग होता है, उसी से एक आदमी के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है और लोग उसको भगवान मानने लग जाते हैं, बस इतना ही है। और आप भी अपना एक एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट करो, इसी सब हो जाएगा। एटीट्यूड मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। तो ऐसी दुनिया में चीज़ें फैली हैं, लोग खूब पढ़ते हैं, सुनते हैं और ऐसा पढ़ करके भगवान से विश्वास ही छोड़ देते हैं। कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है कि जिसमें तीनों काल का सब दिखाई दे, ये सब अतिशयोक्ति की बातें हैं। लोग महिमा का बखान इतना कर देते हैं भगवान का कि भगवान तक पहुंच नहीं पाते, इसीलिए उनको भगवान मानते रहते हैं। सुन रहे हो? ऐसी व्याख्या करते लोग, जबकि इसके बिना भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अज्ञानी पुरुष किन्हीं को भी भगवान मान ले और मान ही लेते हैं। ये विश्वास भी होना कठिन होता है, इसीलिए यहाँ बार बार ऐसे वैसे सब तरीके से कह कह करके विश्वास दिलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भगवान के ज्ञान में भूत और भविष्य की पर्याय भी वर्तमान के समान दिखती है। और ये कोई अद्भुत बात नहीं है। जब एक कोई सामान्य ज्ञानी व्यक्ति होता है, सामान्य से ज्योतिषी कार होता है, ज्योतिष को जानने वाला होता है, वो भी आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देता है। कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, आपकी रेखाओं को देख करके बता देता है आपकी उम्र कितनी है, आपके साथ दुर्घटना कब घटित होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, सब बता देता है। एक सामान्य व्यक्ति जो भविष्य की बात बता सकता है, भूत की भी बात बताने वाले होते हैं, तो जब सामान्य व्यक्ति इतना ज्ञान रख सकता है, तो जो अपनी योग साधना से इस तरह से योगी बन गया हो कि उसने अपनी इंद्रियों से और मन से अपने आप के उपयोग को पूरा हटा करके अपने सब प्रकार के कर्मों का नाश करके ऐसे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात हो गई? ज्ञान अगर बढ़ रहा है तो वह बढ़ता हुआ कहाँ तक जाएगा? उसका कोई लास्ट पॉइंट तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो चीज़ बढ़ रही है तो लास्ट पॉइंट तक बढ़नी भी चाहिए, और घट रही है तो उसका भी एक लास्ट पॉइंट होना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा भी घट नहीं सकती है। ये दोनों प्रकार की लिमिट ज्ञान की दुनिया का कौन सा दार्शनिक बता सकता है, हमें बताओ? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ नॉलेज एंड लोअर लिमिट ऑफ नॉलेज, हु नोज, प्लीज टेल मी। कौन जानता है? जो व्याख्यान करने वाला हो गया, जिसने ज्यादा भीड़ लगा ली, बस लोग तो उसी का समझने लग जाते हैं, इसी की लिमिट बस अपर लिमिट है। जबकि ये कोई तरीके नहीं होते हैं। हर चीज़ का एक मानक होता है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जब हम उसी के अनुसार
हर चीज को समझेंगे तभी हमारा ज्ञान राइट नॉलेज के रूप में, सम्यक ज्ञान के रूप में कहा जाता है, अदरवाइज नहीं होता। ज्ञान की उत्कृष्टता क्या हो सकती है और ज्ञान की निकृष्टता क्या हो सकती है, ये दोनों ही प्रकार की लिमिट का ज्ञान हमें इस जिनवाणी के माध्यम से होता है। सबसे सूक्ष्म ज्ञान किसका होता है, सबसे कम एज मिनिमम एज किसका होता है? आचार्य कहते हैं जो निगोध जीव होता है, एक इंद्रिय जीव होता है, उस निगोध जीव का ज्ञान सबसे सूक्ष्म ज्ञान, सबसे कम ज्ञान होता है, और वह कहा जाता है लब्ध अक्षर, नित्य उद्घाटित उस ज्ञान की संज्ञा दी है कि अगर वह ज्ञान के ऊपर भी कोई आवरण आ जाएगा तो समझ लो कि उस जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे जो ज्ञान है उसके बाद अब कोई आवरण नहीं बचा है कि उसके भी ऊपर अगर आवरण आ गया तो ज्ञान समाप्त हो गया, तो जीव ही समाप्त हो गया, क्योंकि जीव तभी तक है जब तक वो ज्ञान के साथ है। और जैसे ही जीव में से ज्ञान का अभाव हो गया तो जीव का अभाव हो गया। तो कर्म का जो आवरण होता है वह आवरण भी एक हद तक ही होता है। जो निगोध जीव का लास्ट ज्ञान है उसके ऊपर तो कर्म का भी आवरण नहीं हो सकता है, इसलिए उसको संज्ञा दी गई नित्य उद्घाटित, हमेशा उद्घाटित रहने वाला, इतना ज्ञान तो हमेशा बना ही रहेगा, निच्चोद्घाटित, नित्य उद्घाटित। इस ज्ञान को कोई भी कर्म नहीं ढक सकता, अगर यह भी ढक लिया गया तो जीव का अस्तित्व ही चला गया। ये हो गई उसकी लोअर लिमिट, किसकी? ज्ञान की, निगोधिया जीव की नहीं, निगोधिया जीव तो उसका स्वामी है, ज्ञान की मतलब आत्मा में ज्ञान जो है कमती भी होता चला जाता है बढ़ता भी चला जाता है। इसी को हम क्षयोपशम दशा कहते हैं, एक बार आपको बताया था कि क्षयोपशम का मतलब ही होता है कि ज्ञान का कमती भी होता जाना और बढ़ता भी जाना। तो ये कमती और बढ़ती पना जब तक चलता है तब तक तो कहलाता है क्षयोपशम, और फिर उस बढ़ने की स्थिति से एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना कि अब वो ज्ञान कांस्टेंट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ना अब वो बढ़ेगा ना घटेगा, तो वो कहलाता है क्षयिक ज्ञान, वो हो गया क्षयिक ज्ञान, वो एक अलग ही उसकी स्टेट हो गई। बढ़ते 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 जब तक ज्ञान जाएगा तो वो कहलाएगा छद्मस्थों का ज्ञान, उसे क्या बोलते हैं? छद्मस्थ। आपने एक शब्द और सुना हो, भाई मैं तो बहुत छद्मस्थ हूँ, ऐसा बोलते हैं लोग, छद्मस्थ माने अल्पज्ञानी हूँ। तो छद्मस्थों का ज्ञान इस तरीके से वैरी करता चला जाता है, क्षयोपशम की लास्ट लिमिट तक पहुँच सकता है, लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं उनका ज्ञान क्षयोपशम की उस लिमिट को क्रॉस करके अपनी और सुप्रीम लिमिट में पहुँच जाता है, उसको बोलते हैं क्षयिक ज्ञान। तो आप ये मत समझना कि ये ज्ञान क्षयोपशम की लास्ट लिमिट वाला है, ये तो क्षयिक ज्ञान की लिमिट वाला ज्ञान है। क्षयोपशम जब तक है तब तक वह घटता बढ़ता हो सकता है, और इसीलिए उसकी लिमिट बनती है, और उसकी जो लोअर लिमिट है ज्ञान की अगर हम देखेंगे, अब हम क्षयोपशम और क्षयिक का भेद न करें केवल ज्ञान की लिमिट देखें, तो ज्ञान की लोअर लिमिट निगोधिया जीव में होती है, उससे छोटा ज्ञान किसी का नहीं होता। उसकी भी कुछ और शर्तें हैं, लब्धे पर्याप्तक हो, ये हो वो हो, ये और उसकी शर्तें हैं। उस निगोधिया जीव को ही उसका स्वामी बताया गया, और उसके बाद में अगर उसकी ज्ञान की हम अपर लिमिट देखते हैं कि इससे बढ़कर के ज्ञान कोई नहीं हो सकता, तो वो कौन सा ज्ञान है? उसका नाम केवल ज्ञान। ज्ञान की सामान्य दो लिमिट बनाओ, फिर उसमें डिवाइडेशन हो जाता है, एक क्षयोपशम ज्ञान, एक क्षयिक ज्ञान।
ये ज्ञान की अपर लिमिट एक जैसी रहेगी, इसका स्वरूप, इसी की पहचान सबके अंदर एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा बोल रहा है कि कोई ज़्यादा अच्छा प्रवचन कर रहा है तो उसका ज्ञान बहुत बढ़ गया हो, हाँ हम उसके आगे लिखने लग जाएं गॉड भगवान। आप कुछ भी लिख लो, सम्यक ज्ञानी कभी कुछ नहीं लिखेगा, समझ आ रहा ना? सम्यक ज्ञानी तो आपके गॉड को भी फ्रॉड समझेगा। क्या समझे? क्योंकि उसे मालूम है ये तो सिर्फ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का ही बस थोड़ा सा छुपसम है। किसी में तर्क वितर्क करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा अलग एंगल से हर चीज़ को देखता है, सो वी कॉल्ड फिलोसफर। बस और क्या होता है उससे? उसका नाम फिलोसफर हो गया तो वो प्रसिद्धि पा गया, सोक्रेटिस, प्लेटो, ऐसे सब यूनान इत्यादि के बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, नाम हैं इनके भी, कोई भगवान तो नहीं हो गए। भगवान में और दार्शनिक में अंतर तो बना के रखो। कोई ज़्यादा तर्क कर रहा है, कोई ज़्यादा चीज़ को समझाने का अलग आपको विजन दे रहा है, कोई ज़्यादा आपके सामने अच्छे ढंग से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप तो उसको भगवान ही मानने लग जाते हो। ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से, एक्टिंग से सबसे आ जाती हैं। लेकिन केवल ज्ञान के लिए कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा तो उसे एक तरह से ही चलना होगा और एक रास्ते से ही चलना होगा और उसी रास्ते से चल करके वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसी को कहते हैं राइट पाथ। एक रास्ते से चलेगा तो केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान का स्वरूप सबका एक जैसा होगा कि आपको दिखना चाहिए भूत का भी भविष्य का भी, तो हम मानेंगे कि हाँ आपका ज्ञान दिव्य ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज जिसको बोलते हैं, हाँ कुछ अलग दिव्यता। वह ज्ञान की ये विशेषता अगर नहीं होती तो आचार्य कहते हैं फिर केवल ज्ञान कहेंगे ही किसको, फिर तो केवल ज्ञान का ही अभाव मानना पड़ेगा। अब आपकी बात को ही आचार्य महाराज इस तरीके से घुमा के बता रहे हैं कि यदि आप फिर भी स्वीकार नहीं करते हो कि ज्ञान में ये भूत और भविष्य की पर्यायें प्रत्यक्ष होती हैं, यदि आपके लिए स्वीकारता नहीं है तो इसका मतलब है कि आप केवल ज्ञान को नहीं मानते या फिर आपके लिए केवल ज्ञान है ही नहीं। ये हो गया। अब इस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए आपको अपना अनुमान ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? एक अनुमान ज्ञान होता है, हाँ? कोई भी चीज़ जो घटती है बढ़ती है तो उसके घटने और बढ़ने का कारण क्या होता है, और जब कारण का अभाव हो जाएगा तो उसके लिए वो चीज़ उसकी अपनी पूर्ण कार्य दशा को प्राप्त हो जाएगी। मान लो सूर्य का प्रकाश है, कभी इतना तेज हो जाता है कि जेठ के महीने में देखो कैसा तपता है, कभी इतना हल्का हो जाता है कि दिन भर सूर्य का प्रकाश भी बना रहे तो हम ढूंढते ही रह जाते हैं कि थोड़ी सी धूप और आ जाए, धूप और आ जाए ठंड के दिनों में जब, हाँ तो ऐसा हो जाता है। और कभी उस सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं बरसात के दिनों में, हाँ तो भी उस सूर्य के प्रकाश में अनेक अनेक तरीके के हमें कभी प्रकाश कभी अंधेरा कभी प्रकाश कभी अंधेरा सब दिखाई देता रहता है। थोड़े से बादल आ गए एकदम अंधेरा सा हो गया, हाँ फिर बादल हट गए फिर एकदम से ताप आ गया। कभी उसके सामने कोई राहु केतु का विमान आ जाता है, सूर्य ग्रहण हो गया। जब तक उस सूर्य के सामने कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे तब तक उसका प्रकाश बाधित होगा, प्रताप भी उसका बाधित होगा। और जब उसके सामने कुछ नहीं होगा, अपनी पूर्ण दशा में निर्बंध होकर के, माने उसके दबाने के लिए कोई कारण नहीं रहे उसके प्रकाश को, तब हम कहेंगे ये सूर्य का पूर्ण प्रकाश है और ये सूर्य का पूर्ण प्रताप है।
तो कुछ ना कुछ कारण तो होते हैं। अगर सूर्य के प्रकाश में भी कमी है तो कुछ कारण से हो रही है, कारण का अभाव हो गया, कार्य प्रकट हो गया। ज्ञान में अगर किसी के मंदता है, किसी का ज्ञान अधिक है, किसी का और अधिक है, किसी का और अधिक है, तो कुछ कारण तो होगा उसके पीछे, कारण तो कोई जानता ही नहीं क्या कारण है। उसके दिमाग को चलाने वाले कुछ एंजाइम्स विटामिन्स कम हो गए इसलिए, उसका माइंड जो है मतलब जिस रेज पर काम करना चाहिए उस रेज पर काम नहीं कर रहा इसलिए, मतलब ऐसी अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं, माइंड को जो है उन रेज के अनुसार चलाया जाता है तो वो मतलब उस लेवल पे पहुंच जाता है। बस द माइंड, आदमी इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं, बस द माइंड। आइंस्टीन के अंदर भी अगर कुछ था, किसी और के अंदर भी कुछ था, तो उसका जो लेवल था वो उसके किस कारण से बड़ा हुआ था, तो उसका ये ब्रेन ज़्यादा काम करता था कि ये वाला हिस्सा ज़्यादा काम करता था, तो क्यों करता था? कुछ एंजाइम्स इधर ज़्यादा बनते होंगे इसके कारण से, कुछ एक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाती होगी, इसकी कम हो जाती होगी। आप भी कुछ ऐसी चीज़ें खाएं उस तरह के एंजाइम्स बन जाएं, इससे कितना होगा, क्या होगा? क्या कोई डॉक्टर बना पाया किसी को आइंस्टीन द्वारा, फिर से किसी को न्यूटन द्वारा फिर से बना पाया? इतनी माइंड और ब्रेन की सबकी खोज हो रही है, किसी ने कुछ बना पाया? कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देता एकदम से, उसका भी जो है, जब ब्रेन ही है ना, सब कुछ उसी के अंदर है ना, फंक्शन तो उसी में ही हो रहा है, वो उसकी जो नर्व्स हैं वो सब उतनी ही हैं जितनी एक सामान्य आदमी के अंदर होती हैं। बस कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि वो ऐसा काम करने लग जाए, बिल्कुल आइंस्टीन की तरह सोचने लग जाए, सुकरात की तरह सोचने लग जाए, कहाँ लगाओगे इंजेक्शन, कौन सी दवाई खिलाओगे, कौन सा ऑपरेशन करोगे? कारण ही नहीं पता। ज्ञान के अंदर कमती बढ़ती पना क्यों आता है? जब तक इसका कारण ही नहीं मालूम आपको, आप अज्ञानता में जी रहे हैं। ज्ञान माइंड और ब्रेन में नहीं होता है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा के अंदर ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता है। ज्ञानावरण कर्म अनेक तरह के होते हैं, और जिसके ऊपर से जितना आवरण हट जाता है उसका ज्ञान उतना ही प्रकट हो जाता है। वो प्रकट हुआ ज्ञान इन फंक्शन से काम करता है जो माइंड और ब्रेन कहलाते हैं। लेकिन भीतर तो होना चाहिए पहले, लाइट भीतर तो हो, तब उसको हम जो है बाहर किसी ना किसी रूप में उसको बढ़ा सकें, कम कर सकें, कि दूसरी तरीके से उसको डाइवर्ट कर सकें। जब लाइट तो हो पहले भीतर, जब है ही नहीं लाइट तो उसको क्या करोगे? उसका कारण क्या? ज्ञान का प्रतिबंधी कारण कहलाता है इसको, क्या बोलते हैं, हाँ, ज्ञान को रोकने वाला कारण इसका प्रतिबंधी कारण कहलाता है, जो ज्ञानावरण कर्म होता है। और इसी कारण का अभाव होने पर वह ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान के ऊपर प्रतिबंध डालने वाला कोई भी कारण नहीं बचा, ज्ञान अपनी स्वाभाविक स्थिति में उसी सूर्य के समान बिल्कुल प्रकाशमान दिखाई देने लग जाता है। और उस ज्ञान में ये सब प्रत्यक्ष होने लग जाता है, जो पास्ट में हो चुका फ्यूचर में होगा सब प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये उस ज्ञान की महिमा है। लोग केवल परेशान होते हैं ज्ञान बढ़ाना, मेमोरी बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, ये पुस्तक पढ़ो, ये कोचिंग करो, वो ट्यूशन करो, इनसे ज्ञान बढ़ता है? आप तो कहोगे बढ़ता है, हमारे बेटे ने वो वाली कोचिंग की थी इसलिए उसका IIT में सिलेक्शन हो गया, और जिस बेटे ने दूसरे ने भी की थी उसका क्यों नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के हमें यह तो सोचना चाहिए कि आखिर ज्ञान को बढ़ाने वाली चीजें हैं कहां, और ज्ञान बढ़ता किससे? कोई सिरप पी लेने से ज्ञान बढ़ जाता हो,
बॉर्नविटा पी लेने से के हॉर्लिक्स पीने लेने से, अब तो ये सब चीज़ें बहुत आउटडेट हो गई होंगी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ। चल रही हैं अभी, चलती हैं? अच्छा, अपने ज़माने की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। है हाँ, छोटे बच्चों के लिए हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, ब्राह्मी इत्यादि की कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं। हाँ, तो अगर इससे ही सब कुछ होता, सबको पिलाओ, सबको आइंस्टीन बना दो, तब हम जाने कि हाँ साइंस है कुछ। अब फ्लेवर्स तो सब अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, रियलिटी क्या है ये तो समझो। ज्ञान हमारा किस कारण से रुक रहा है, उसका प्रतिबंधक कारण कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं ज्ञानावरण कर्म ही ज्ञान का प्रतिबंधी कारण है। जब इस प्रतिबंधी कारण का अभाव होगा, ज्ञान आपका प्रकट होगा। अब वो ज्ञानावरणी कर्म की इतनी फैकल्टी हैं, इतने उसके भेद हैं कि पूछो मत। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सबके आवरण हैं अलग अलग। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये तो मोटी मोटी ज्ञान की फैकल्टी बनी हुई। अब एक एक के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, किसी का भी ज्ञान आपको एक जैसा नहीं दिखाई देता, मति ज्ञान न श्रुत ज्ञान। क्यों? सब अलग अलग हैं इसलिए। हाँ, कुछ भीतर की चीज है, सबके आवरण, सबके कर्मों का क्षयोपशम अलग अलग है, इसलिए हर व्यक्ति का ज्ञान आपको दुनिया में अलग अलग दिखाई देगा। जीव तो एक साथ उत्पन्न हो सकता है, ज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं होता है। क्या कहा? जीव तो एक साथ उत्पन्न हो सकता है, आप कहते हो ट्विंस हैं, ज्ञान एक साथ नहीं हो गया उत्पन्न। हाँ, ज्ञान तो उनका अलग ही अलग रहता है, ये आप देख सकते हो। तो क्यों? जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि इस ज्ञान में कितने प्रकार के प्रतिबंधी कारण हैं, और उन कारणों का अभाव जब होगा तभी जाकर के वह केवल ज्ञान की दशा प्राप्त होती है। अगर किसी में थोड़ा सा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वह व्यक्ति भी इस बात को बताने में समर्थ हो जाता है कि हाँ भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरा 3 महीने के बाद में देहांत हो जाएगा, और हो जाएगा। ये कौन सा ज्ञान आ गया? कोई अवधि अवधि ज्ञान नहीं है, सिर्फ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है। अष्टांग महानिमित्त होते हैं, 8 महानिमित्त होते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, ये भी एक रिद्धि मानी गई, नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम, अष्टांग महानिमित्त रिद्धिधारियों को मेरा नमस्कार हो। तो वो महानिमित्त क्या होते हैं? स्वर से भी आपका भविष्य बताया जा सकता है, स्वर ज्ञान से आपके कपड़ों के छिन्न भिन्न पने को देख करके आपका भविष्य बताया जा सकता है, समझ में आ रहा है? हाँ, आपके नक्षत्रों को देख करके, जन्म इत्यादि के समय के उनको देख करके आपका भविष्य बताया जा सकता है। अनेक प्रकार के अंतरिक्ष ज्ञान के माध्यम से आपका भविष्य बताया जा सकता है, ऐसे अनेक तरह के निमित्त ज्ञान होते हैं। तो इसका मतलब वो भगवान नहीं हो गए, वो सब क्या है? सब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की ही परिणतियां हैं। नाम हो गया महानिमित्त ज्ञानी, और ऐसे भी ज्ञान होते हैं जिनको आप देख करके आगे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ऐसा होगा ही। एक दिन यहां पर वो कौन बढ़ जाते हैं, ये कौन है, सेक्टर 8 के, अपनी माँ को लेकर के आए थे, हाँ हाँ, और उस समय उनकी जो स्थिति थी, हाँ, उनने कहा महाराज जी माँ को दर्शन दे दो, तो नीचे जाके देखा, दर्शन की स्थिति में वो थोड़ा सा उस समय पर कम ही थी, बिठाया, आंखें तो उस समय खुल रही थीं, और थोड़ा सा देखा, लेकिन उनकी श्वास जिस ढंग से चल रही थी,
हमने कहा इसका दूसरा दिन नहीं होगा, आप देख लो। और रात के 8 बजे तक उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या हो गया, कोई भगवान तो नहीं हो गए? ये भी ज्ञान होते हैं। जब सामान्य व्यक्तियों में ये ज्ञान होते हैं तो जिन्होंने अपने कर्मों का क्षय करके ज्ञान प्राप्त किया तो उनका ज्ञान कितना बड़ा होगा, एक अनुमान लगाना, इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। समझ आ रहा है? इस अनुमान ज्ञान से ही इस केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। तो आचार्य कहते हैं कोई भी ज्ञान अगर हम इस तरीके का स्वीकार नहीं करेंगे कि जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पास्ट और फ्यूचर सब दिख रहे हों, तो हम उस ज्ञान को कभी दिव्य ज्ञान या केवल ज्ञान कभी कह ही नहीं सकते। और ये होता है, आपका कोई भूतकाल भी बता सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या क्या होके आया है आपका इसी जन्म में, ये भी बताया जा सकता है केवल आपके चेहरे को देख करके। इसका मतलब क्या हो गया, भगवान नहीं हो गया। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं, वो भी पूर्व जन्म की बात बता सकते हैं, तो भी वो भगवान नहीं हो गए। समझो आप, हाँ? जब ऐसे ऐसे अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, ऐसे मुनि महाराज होते थे, लोग उनको भी जानते थे, उनसे अपना भविष्य पूछ लेते थे, वो बता भी देते थे, तो भी लोग पहले कभी भी किसी को भगवान घोषित नहीं करते थे। लेकिन आज तो बस प्रवचन करना आना चाहिए, कुछ आए या ना आए बस। हाँ, जिसके यहाँ जितनी भीड़ जुट जाए वो उतना ही बड़ा ज्ञानी है। और अगर लगातार जुड़ती रही तो एक ना एक दिन ये दुनिया उसको टाइटल दे ही देती है, यू आर ऑल्सो गॉड। बस समझ में आ रहा है ना, ये आज के दुनिया की फितूरियाँ हैं। तो ये समझो कि केवल ज्ञान क्या होता है, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है। आचार्य कहते हैं वर्तमान में किसी को ना अवधि ज्ञान होता है, ना मन परे ज्ञान होता है। ये जो हमें शास्त्र का ज्ञान होता है ये भी हमारा श्रुत ज्ञान कहलाता है, और जो हमें इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता रहता है वो हमारा मतिक ज्ञान कहलाता है। और उस मतिक ज्ञान के बाद में भी हम जो अपने मन से और भी बहुत कुछ उस ज्ञान के बाद आगे सोचते रहते हैं वह सब हमारा श्रुत ज्ञान कहलाता है। मतिक ज्ञान हुआ, आपने इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखा सुना, और उस सुनने के बाद में आप जिसको शब्द रूप में व्याख्यायित कर सको या जिसको शब्द सुनने के माध्यम से आपके अंदर जो ज्ञान आए वो सारा का सारा ज्ञान फिर आपका आगे चल करके श्रुत ज्ञान कहलाने लग जाता है। हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, मतिक ज्ञान के श्रुत ज्ञान, सुन रहे हो? हाँ। और आप सुन रहे हैं, तो सुनकर के आपने जो शब्द सुना वो तो आपका मतिक ज्ञान से सुनने में आ गया, कि कान का जितना काम था कि कान ने शब्द को सुन लिया ये तो हो गया। हाँ, मन ने शब्द को सुन लिया ये हो गया। अब उस शब्द का आप जो अर्थ हम दे रहे हैं और उस शब्द के अर्थ तक जो आपका मन पहुंच रहा है वो किससे हो रहा है, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं केवल ज्ञान तक, यहीं बैठे बैठे, किसके माध्यम से, शब्द के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से। इसको शब्द श्रुत ज्ञान कहते हैं, शब्द से उत्पन्न होने वाला श्रुत ज्ञान आपके दिमाग में ऐसी धारणा पैदा कर देगा कि हाँ केवल ज्ञान ऐसा होता है जिसमें सब द्रव्यों की सब पर्याय प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और ये जो आपके दिमाग में आ जाएगा ये कहलाएगा श्रुत ज्ञान। और केवल आपने मन से सुना, इंद्रियों से सुना, केवल बस हाँ केवल ज्ञान होता है, और इसके आगे आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ उसकी आपको आगे कुछ भी विजन नहीं बना, तो वो कहलाया केवल मतिक ज्ञान। बस हमने बोला केवल ज्ञान, आपने सुन लिया, क्या बोला, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान सुनते ही आपके दिमाग में जो एक फिल्म बन गई वो सब क्या हो गया, वो श्रुत ज्ञान हो गया। बस यही दो ज्ञान है हर आदमी के पास। किसी के लिए इन ज्ञानावरणियों का क्षयोपशम ज्यादा हो जाता है, किसी के लिए कम हो जाता है, तो उसी से उसका जीवन उस तरह का चलता रहता है, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान।
इन ज्ञान का विकास भी होता है और इन ज्ञान का ह्रास भी होता है। तो इससे एक अनुमान लगाना सीखो, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं, मति ज्ञान से नहीं लगा सकते। किससे? हाँ, विश्वास हम कर सकते हैं कि उनसे ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से। मति ज्ञान नहीं कराएगा, मति ज्ञान तो बस आपको शब्द सुनाएगा, बस मन सुन लेगा, लेकिन विश्वास कौन ज्ञान करेगा? हाँ, यहाँ तक कि ध्यान के समय पर भी श्रुत ज्ञान की बड़ी भूमिका है। हाँ, क्योंकि ध्यान में क्या होता है, सुना हुआ कुछ नहीं काम आता, ध्यान में अपना ही विचार काम आता है। जो ज्ञान के अंदर चल रही उस पदार्थ के प्रति, जो ध्येय के प्रति जो धारणा होती है, वो धारणा उसके अंदर काम आती है, तो वो श्रुत ज्ञान का ही एक परिणाम होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रुत ज्ञान जिसको उत्कृष्ट होगा उसी को केवल ज्ञान होगा। उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान चाहिए, श्रुत केवली होना चाहिए श्रुत ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए। तो जितना जिसके अंदर श्रुत ज्ञान होगा वो उतना ही अच्छे ढंग से ध्यान लगा सकेगा, क्योंकि उसे सब पदार्थ अपने श्रुत ज्ञान में क्लियर हैं। श्रुत ज्ञान से भी आप केवल ज्ञानी को यहीं बैठे बैठे देख सकते हो, मति ज्ञान से नहीं देख सकते। सुन रहे हो? अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान से भी नहीं देख सकते। हाँ, ज्यादा चिंता नहीं करना अवधि ज्ञान हो जाए कि मन परे ज्ञान हो जाए, कुछ नहीं होता इन ज्ञानों में, ये तो सिर्फ रिद्धियां हैं, विशुद्धि से प्रकट होती हैं, इनका उपयोग दूसरी तरीके का है, लेकिन केवल ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए इन ज्ञानों का कोई उपयोग नहीं। कौन से ज्ञानों का? अवधि ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं, मन परे ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं। क्योंकि इसमें मन होता ही नहीं, इसमें तो आत्मा से डायरेक्ट होने लग जाता है जो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, तो इससे ध्यान तो लगेगा नहीं, ध्यान किससे लगेगा? मन से लगेगा, और मन में श्रुत ज्ञान होगा तो ध्यान लगेगा। इसलिए श्रुत मनिंद्रियस्य, एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, श्रुत मनिंद्रियस्य, अनिंद्री माने मन, मन का विषय यह श्रुत माने श्रुत ज्ञान ही होता है। तो ये जितना श्रुत ज्ञान स्ट्रांग होता है उतना ही ध्यान अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। अंतर जगत में आपको घुमाएगा कौन? आप आंख बंद किए बैठे हो, कहीं ना कहीं तो आपका विचार कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक करेगा, तो कौन घुमाएगा? वो श्रुत ज्ञान अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो आपको भीतर से बिल्कुल जागृत बनाए रखेगा। हाँ, सोने नहीं देगा, सो गए तो इसका मतलब श्रुत ज्ञान काम नहीं कर रहा है। सो तो नहीं रहे हो? ये मति ज्ञान काम कर रहा है आपका। है? अब सपने का ज्ञान भी सब तरीके का श्रुत ज्ञान ही समझ लो। हाँ, वो सब इंद्रिय और मन की दशाएं ही होती हैं और वो सब उसी की विचित्र परिणतियां हैं, तो वह श्रुत ज्ञान में ही आ जाती हैं सब। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि देखो ज्ञान का विस्तार, ज्ञान कितना भीतर ही भीतर हर व्यक्ति के अंदर किस ढंग से काम करता रहता है। आदमी बैठा कहीं रहता है, सोचता कुछ रहता है, उधेड़बुन में कुछ लगा रहता है, सुनता कुछ रहता है, लिखता कुछ रहता है, नहीं होता है? काम कुछ कर रहा होता है, सोच कुछ रहा होता है, कितने तरह से उसकी ज्ञान के, इसको बोलते हैं उपयोग का परावर्तन, है ना? ये उपयोग का परावर्तन, और इसी के साथ में होता है मन वचन काय के योग का परावर्तन। तो योग का परावर्तन तुम्हारी समझ में नहीं आता, लेकिन उपयोग का परावर्तन, कभी मति ज्ञानोपयोग, कभी श्रुत ज्ञानोपयोग, कभी मति ज्ञानोपयोग, कभी श्रुत ज्ञानोपयोग, और ये निरंतर चलता रहता है। ऐसे भीतर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, वो भीतर की फिल्म आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये जिनवाणी पढ़ोगे, है ना? क्योंकि जो केवल ज्ञानी ने बताई हैं तो वो ऐसी वैसी चीज़ें नहीं बताई हैं, छोटी मोटी स्थूल चीज़ें जिन्हें सब लोग देख लेते हैं, है? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु, तो सब कोई जानता है। उसके अंदर कौन सा जीव, उसके अंदर कितना ज्ञान, उसके अंदर कितने प्राण, उसके अंदर कितना क्षुप्सम, कितना सुख, इसकी नापतोल जो करे उसका नाम है सर्वज्ञ, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। क्या सुन रहे हो? कौन सा साइंस है दुनिया में सब चीजें बताने वाला?
है। अभी जीव की सिद्धि नहीं हो पाती तो उसके अंदर के ज्ञान और उसके अंदर के प्राण और उसके अंदर के सुख और इंद्रियों का ज्ञान कौन बताएगा। तो केवल ज्ञान का विषय अपने आप में अद्भुत है, इस पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि आगे कहने वाले हैं आपको जब तक केवल ज्ञान पर विश्वास नहीं होगा, आप जिंदगी भर भले ही करते रहो नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म, आपको विश्वास ही नहीं है अरियंत और सिद्ध पर। क्या समझ में आ रहा है, पहले पता तो हो कि अरियंत है क्या है। ठीक है, वो नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म करने से कुछ ना कुछ तो भला होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उस रूप में भला होना चाहिए, जो हमारे लिए ये विश्वास सम्यक दर्शन का कारण बनाने वाला है, वो भला तो आपका ऐसे केवल ज्ञान पर विश्वास करने से ही होगा। जिन वाणी की इस बताई हुई बात पर विश्वास करने से ही वह सम्यक दर्शन का भाव आता है, फिर वो व्यक्ति का ज्ञान इधर उधर कभी भी विचलित नहीं होता है। थोड़ा है तो ठीक, ज़्यादा है तो ठीक, क्योंकि उसको मालूम है पूर्ण तो ये भी नहीं है, ना थोड़ा ना ज़्यादा। ये जब आदमी के अंदर इस ज्ञान की उत्कृष्ट दशा का भान होने लगता है, तभी उसको भगवान के ऊपर सही श्रद्धान हुआ ऐसा मानना, नहीं तो भगवान भगवान सब करते हैं लेकिन भगवान किसी को पता नहीं है कि भगवान कैसे ज्ञान वाले होते हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है। अगर हम भगवान के अंदर इस तरीके का ज्ञान जो सिद्ध हो रहा है और फिर भी ना माने, तो फिर उनके ज्ञान में दिव्यता ही क्या रही, उनके ज्ञान में विशेषता ही क्या रही, उनका ज्ञान फिर कुछ केवल ज्ञान हुए अलग है, वो कैसे कहा जाएगा। तो आचार्य इसमें और भी तर्क देते हैं कि देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर ज्ञेय थी या ज्ञेय होगी तो ज्ञेय हमेशा वस्तु ज्ञान का विषय जरूर बनती है। क्या कहा, हाँ, ज्ञेय वस्तु ज्ञान का जरूर विषय बनती है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, किसी ना किसी के ज्ञान का तो विषय होगी। वो जो ऑब्जेक्ट आज हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, वो किसी ना किसी के ज्ञान में तो आ सकता है। जो पहले हो चुका आगे होगा, हमको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन किसी ना किसी ने तो उसको जाना, क्योंकि वो ज्ञेय है तो किसी ना किसी के द्वारा जानने में जरूर आएगा। हम इतनी पर्यायें छोड़ चुके पीछे, हमारे जानने में नहीं आ रही तो किसी के जानने में नहीं आएंगी, कोई ना कोई के तो ज्ञान में वो पर्यायें जरूर आ रही होंगी, ऐसा भी अपने अंदर सोच सकते हो। हमारे ज्ञान में नहीं आ रही लेकिन किसी ज्ञानी के ज्ञान में जरूर, क्योंकि वो क्या थी, पर्यायें थी, वो कोई असद्भूत वस्तु नहीं थी, जिस समय थी उस समय वो सद्भूत थी, वो पर्याय भी ज्ञेय रूप थी, जानने योग्य थी, लेकिन अब नहीं कुछ जानने में आ रही, तो उनको कौन जान रहा, आगे जो होगा अभी हुआ नहीं है वो भी कौन जानेगा, कोई ना कोई तो जानने वाला होगा। जब सामान्य व्यक्ति इतना जान जाता है, डॉक्टर जान जाता है, वैद्य जान जाता है, ज्योतिषी जान जाता है, स्वर्ग ज्ञानी जान जाता है, तो फिर वो तो केवल ज्ञानी है। तो यही अनुमान केवल ज्ञान की सिद्धि के लिए पर्याप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, अनुमान ज्ञान, कि अगर इनके पास अपने ज्ञान से इतना ज्ञान हो रहा है, इन्हें 2 दिन का 4 दिन का 10 दिन का आगे का, हाँ, तो कोई ऐसा भी होगा जो 10 साल और 10 जन्म का भी ज्ञान रखने वाला हो सकता है, उसी से केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। आ गया समझ में। तो इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान मानना, अपनी धारणा में जानना और ये समझना कि केवल ज्ञान की बस की जो बात है वो हमारे मत श्रुत ज्ञान के बस की नहीं है, लेकिन हम फिर भी श्रुत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान के बारे में जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा श्रुत ज्ञान काम कर रहा है हम सभी का, हाँ, जो केवल ज्ञान को जान रहा है, उसी को पढ़ते हैं। उत्पन्न हो विगत में कुछ अंत पाई,
पर्याय जो न अबलों कुछ जन्म पाई, प्रत्यक्ष हो न यदि वे जिनके उली के, क्या दिव्य ज्ञान धरते फिर क्या बली ये। आगे थोड़ा सा और बताया जा रहा है उसी चीज को। अठम अखणि वणिदम इहा पुव्ये ही जे विजानंती, ते सिम परोख भूदम णादुमसक्कम तिपन्नतम। पढ़े एक बार। अठम अखणि वणिदम हाँ, क्या कहते हैं? अठम माने, अब तो जान गए, अठम माने पदार्थ। ये भूत जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सब क्या हैं? अर्थ हैं। अखणि वणिदम, अक्ष से जो संबंध रखते हैं, माने अक्ष माने होता है इंद्रियां, और उन इंद्रियों से जो संबंध रखने वाले पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों को जे माने जो जीव ईहा पुव्येहि विजानंती, ईहा पूर्वक जान लेते हैं। ईहा पूर्वक का मतलब ये चार प्रकार के ज्ञान होते हैं मतिक ज्ञान के भेदों में, एक अवग्रह, एक ईहा, एक अवाय और धारणा। तो उसमें ईहा पूर्वक माने जब हम इच्छा करते हैं जानने की, तो हम उन ज्ञान के माध्यम से भी जो हमारे सामने वस्तुएं आती हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तेसिम परोक्ष भूदम, फिर उनके लिए भी जो परोक्ष भूत हैं, णादु मसक्कम थी पंडत्तम, यानी उनके लिए भी जो परोक्ष भूत हैं वो भी जानने में अशक्य हैं, समर्थ नहीं हैं। क्या मतलब हुआ? कि वो लोग भी परोक्ष भूत पदार्थों को जान नहीं सकते हैं, इति पंडत्तम माने कहा गया है। मतलब यह है कि मतिक ज्ञान के द्वारा हम इंद्रिय संबंधी पदार्थों को तो जान लेते हैं, लेकिन मतिक ज्ञान से जो परोक्ष हो जाता है वो जानने में नहीं आता है। क्या मतलब हुआ? वैसे तो इंद्रिय ज्ञान मतिक ज्ञान परोक्ष ही है, लेकिन यहां पर उसको प्रत्यक्ष रूप में भी समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, यानी जो व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है, इसलिए इस ज्ञान को क्या कहते हैं? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और परोक्ष क्या हो गया? जो हमारे सामने नहीं रहा वो हो गया परोक्ष। आप हमारे सामने बैठे हो तो क्या हो गए? प्रत्यक्ष। सुन रहे हो? और हमारे पीछे जो है वो क्या हो गया? परोक्ष। ज्ञान तो एक ही था, एक को प्रत्यक्ष कह रहे हो, एक को परोक्ष कह रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो यही व्यवहार कहलाता है। जो हमारी इंद्रियों के समक्ष हो, इंद्रियां जिसको ग्रहण कर लें, वो तो हो गया हाँ मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बोलते हो ना, अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष सुना है, मेरी बात पे विश्वास करो। तो ये क्या हो गया? अगर प्रत्यक्ष ही रहे ये ज्ञान तो फिर कभी परोक्ष नहीं होना चाहिए। आंख के पीछे क्या है वो दिखना चाहिए, दीवाल के उधर भी शब्द हो रहे हैं वो भी सुनने में आना चाहिए। कोई पदार्थ अगर हमारे बिल्कुल इंद्री के समक्ष ना हो, आजू बाजू हो, तो फिर वो भी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मतलब इंद्री ज्ञान भी इन परोक्ष भूत चीजों को जानने में समर्थ नहीं हो पाता है, ये बताया जा रहा है। जो मतिक ज्ञान है वह भी ईहा अवाय धारणा इनके माध्यम से उन्हीं चीजों को जानेगा जो उसके समक्ष हैं, जो उसके सामने हो रही हैं, और जो परोक्ष हो गई हैं
तो उनको स्मृति के माध्यम से याद तो रखे रहेगा लेकिन उनके बारे में अपने लिए ज़्यादा जान नहीं सकता है। तो ऐसा आचार्य कहते हैं कि यह आदि ज्ञान भी ये सब मति ज्ञान के ही विशेष भेद हैं और इनसे भी हम इंद्रिय संबंधी पदार्थों को जानते हैं लेकिन उनमें भी परोक्षभूत जो अतीत और अनागत वस्तु को जानने की शक्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। किनमें? यह आदि ज्ञानों में, है ना। मतलब ये हो गया कथनचित हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से परोक्ष वस्तु को जान सकते हैं लेकिन मति ज्ञान के माध्यम से हमें परोक्ष वस्तु का ज्ञान भी नहीं होता है। इन परोक्ष भूत वस्तुओं को जानने की शक्ति नहीं है क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तभी काम करता है जब वो पदार्थ उसके अभिमुख हो, है? अभिनिबोध से शब्द बनता है आभिनिबोधिक। आभिनिबोधिक का मतलब होता है हमारे अभिमुख जो होगा पदार्थ उसी का ज्ञान होगा। दिख रहे हो और उठ के चले गए तो फिर नहीं दिखोगे, जबकि होते तो। इसलिए जब भी देखना होता है तो वो चीज वस्तु सामने होना चाहिए। इसको बोलते हैं आभिनिबोधिक ज्ञान। ये मति ज्ञान का ही दूसरा नाम है और इसी को बोलते हैं नॉलेज ऑफ सेंस, है ना, इंद्रियों का ज्ञान जिसको बोलते हैं। सेंसुअल नॉलेज भी इसी को कहा जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बताती हैं कि इन इंद्रिय ज्ञानों को भी हम समझें कि इनका स्वभाव क्या है। तो ये भी अतीत अनागत, क्या समझ में आ रहा है? ज्ञान के स्वभाव समझ में आ रहे हैं? इनका उपयोग क्या करना, अब इनका उपयोग क्या करना, अगर हमारे सामने कोई चीज़ देखते देखते ओझल, इंद्रिय ज्ञान का यही स्वभाव है। शब्द सुनते सुनते भी कहीं आवाज़ दूसरी होने के कारण सुनने में ना आए तो उस समय विचार करना कि इंद्रिय ज्ञान का यही स्वभाव है। फिर आप ऐसे करते हैं, एक बार और बोलो, सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलो। तो ये क्यों सुनते हो, ऐसा क्यों करते हो कि इंद्रिय ज्ञान की उस समय पर अभिमुखता नहीं थी। तो सुनने में तो आया शब्द लेकिन उसको पकड़ा नहीं, किसने? मन ने, इंद्रियों ने। मन भी इंद्रिय के माध्यम से पकड़ता है तो उसने पकड़ा नहीं। तो वह भी देखो, इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियां भी होती हैं और मन भी होता है। मति ज्ञान जिसको बोलते हैं, मति ज्ञान में इंद्रियां भी काम करती हैं और मन भी काम करता है लेकिन श्रुत ज्ञान में केवल मन ही काम करता है। तो जब मति ज्ञान होता है, अगर उसमें मन भी नहीं लग रहा हो तो आपके लिए इंद्रियों से भी जो ज्ञान दिया जाएगा वो मन उस चीज को पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो इसका उपयोग क्या करना, जब शास्त्र स्वाध्याय चल रहा हो, प्रवचन चल रहे हो, तो हमें ये उपयोग करना कि हमें अपना मति ज्ञान भी पूरा का पूरा यहीं लगाना और श्रुत ज्ञान को भी कहीं जाने नहीं देना, बाहर यहीं पे लगा के रखना है। और कहीं और चला गया तो क्या होगा, अभिमुख नहीं हुआ तो वह उसके काम का नहीं रहा। मन को भी अभिमुख रखो और इंद्रियों को भी अभिमुख रहो। अभिमुख माने सामने, मुंह के सामने रहो। हाँ, अब सामने बैठे बैठे भी तुम 3-4 हो जाओ तो कोई क्या करे, है? इसलिए सामने बिठाया जाता है श्रोता को। हाँ, वक्ता के सामने बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्ता को भी श्रोता दिखाई देगा और श्रोता को भी वक्ता के शब्द उसके कान में डायरेक्ट पहुंचेंगे। अभिमुख ज्ञान रहेगा तो इंद्रिय ज्ञान मति ज्ञान सही काम करेगा। ये किसके फायदे हैं? ये मति ज्ञान के फायदे हैं। व्यक्ति ये तो समझता है कि अगर हम इधर की चीज देखना चाहें तो नहीं देख पा रहे हैं, कान में सुनते सुनते भी कोई कांच आ जाए, कुछ आ जाए तो सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों सुनाई नहीं पड़ता है ये ज्ञान नहीं होता है। क्यों सुनाई नहीं पड़ता? क्योंकि मति ज्ञान के लिए वो विषय अभिमुख नहीं है। क्या बोलना आप?
हाँ, ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है। हाँ, क्योंकि मति ज्ञान के लिए इंद्रियां का ज्ञान चाहिए और इंद्रियों के लिए उसका इंद्री का विषय चाहिए, लेकिन वो विषय अभिमुख होना चाहिए। तो जब वो इंद्री का विषय अभिमुख होगा तभी हमें मति ज्ञान होगा, और वो अभिमुख नहीं होता है तो मति ज्ञान नहीं होता है। ये कौन बोल पाएगा? जो ये जिनवाणी को सीखेगा समझेगा है? और आज के विज्ञान से पूछो तो कुछ नहीं, वहां पर जो है ना क्या बोलेगा, उसका रिफ्लेक्शन अपनी आंखों में नहीं पड़ता, इसलिए उसकी रेटिना के पीछे इमेज नहीं पड़ती, इसलिए वो अपने ज्ञान में नहीं आता है? ये क्या डेफिनेशन हुई? उसका रेटिना से और इमेज से क्या लेना देना? पहले तो हमारा ज्ञान उसके अभिमुख हो और पदार्थ हमारे अभिमुख हो, और दोनों का, इसीलिए लिखा अक्ष निवडिदम, अक्ष से वो निपतित हो गया माने उसका संबंध बन गया। इंद्री जहां पर गिरी, इंद्री ने जिस पदार्थ को अपना विषय बनाया उससे जिसका संबंध हुआ, वह संबंध उसका अभिमुख होना चाहिए, तो अपने आप उसके लिए मन से मति ज्ञान होने लग जाएगा। ये भीतर के ज्ञान की परिभाषा है, और बाहरी जो ज्ञान है आज का विज्ञान वो केवल डेफिनेशन जितनी बनाता है वो किससे? बाहरी पदार्थ से बनाता है। पदार्थ यहां गया, वहां जाकर के उसकी इमेज पड़ी तो वो ध्यान में देखा, और यहां डेफिनेशन क्या बताई जा रही है कि ये ज्ञान का स्वभाव है, जो ज्ञान ने अपने अभिमुख हुए पदार्थ को पकड़ लिया और यही उसके लिए होना चाहिए, तभी उसका वह ज्ञान हो पाता है। आ रहा है समझ में? दोनों तरीके की साइंस चल रही है, जो सीख के आए हो वो, और जो नहीं सीखी है वो भी, ठीक है ना? तो ये भी देखो अपने आप में बहुत अच्छा विज्ञान है, और इन ज्ञानों के माध्यम से हमें हर चीज़ का स्वभाव समझ में आने लग जाता है कि हमारा ज्ञान किस ढंग से काम कर रहा होता है। केवल हमें बाहरी पदार्थों को ही नहीं समझना है कि बाहरी पदार्थ किस ढंग से काम कर रहा है, ये भी समझना है कि हमारा ज्ञान किस ढंग से काम कर रहा है। तो ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की विशेषता बन जाती है। जो अर्थ है सकल इंद्रिय गम्य भाते, जिन्हें जन जान पाते, वे ना लखे गत अनागत की दशाएं, होती परोक्ष उनको गुरु यूं बताएं।